मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तो आज जो है ना व्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट कर लिया है मैंने। कल जो मैंने बैटर बना के रखा था ना फर्मेंट होने के लिए रात को, मेरे हिसाब से तो अच्छे से हो चुका है फर्मेंट। कल रात को लगा नहीं था मुझे कि इतना भी फर्मेंट होगा, लेकिन हो चुका है अच्छे से फर्मेंट। कल जो है ना मैंने इसे बड़े पतीले में डालकर रखा था, लेकिन बाद में जो है ना इसे मैंने एक और छोटे पतीले में निकाल के रख दिया, क्योंकि अगर ज़्यादा फर्मेंट हो गया तो वो जो है ना ऊपर आकर गिर जाएगा करके। तो इसे देखिए, ये जो है ना यहाँ पे अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अभी जो है ना मैं इडली मेकर में इसको डालकर जो है ना इसकी इडली बनाऊँगी। तो उससे पहले जो है ना मुझे एक और काम करना है कि आज थर्सडे है ना, तो कल रात को ना मैं चना वगैरह जो है ना सोक करना ही भूल गई। तो अभी जो है ना मुझे इसे सोक करने के लिए रख देना है। तो वो अभी क्या होगा कि मैं इसे अगर नॉर्मल पानी में डालूंगी ना तो वो जो है ना इतनी जल्दी सोक नहीं होगा, क्योंकि इसे सोक होने में टाइम लगता है ना। तो मैं जब भी ऐसे भूल जाती हूँ ना सोक करना वगैरह रात को, तो एक ट्रिक यूज़ करती हूँ कि इसमें जो है ना मैं गरम एकदम बॉयल होता हुआ पानी जो है ना वो डालकर रख देती हूँ सोक होने के लिए। तो इसे जो है ना अभी मैं इस तरह से अच्छे से ढककर साइड में रख दूँगी। एक डेढ़ दो घंटे में जो है ना ये बनकर रेडी हो जाएगा, मतलब सोक हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि इसे जो है ना एक एक्स्ट्रा सिटी लगानी पड़ती है, उतना ही, बाकी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हड़बड़ी के टाइम जो है ना आसानी हो जाती है, तो रोज़ दाल वाल खाकर जो है ना बोर हो चुके हैं, तो चने जो है ना मैंने ऐसे सोक करने के लिए रख दिया। अभी जो है ना इसकी मैं बनाऊंगी इडली। तो सबसे पहले ना इसमें डाल देते थोड़ा सा नमक, बाकी का जो मेरा बड़ा पतीला है ना वो है अंदर, उसको मैंने अभी तक देखा नहीं है। पहले जो है ना इसको मिक्स करते हैं और इसकी जो है ना इडली बना कर लेते हैं फटाफट से। इन दिनों जो है ना ठंडी बहुत हो रही है ना, तो सुबह सुबह उठते ही जो है ना पहले चाय पीने का मन करता है ठंडी की वजह से। जब तक ये रेडी होकर आ जाते हैं ना तब तक तो इडली बनकर रेडी हो जानी चाहिए ना, इसलिए फटाफट से बना रही हूँ। चलो नमक तो हो गया इसमें मिक्स, अभी बाकी का करते हैं। आज ना सुबह सुबह एक ही साथ यहाँ पे बहुत सारा काम हो रहा है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और चटनी के लिए मैंने कोकोनट ग्रेट किया था ना, तो एक ही साथ जो है ना मसाला ग्रेवी के लिए भी ग्रेट कर लिया रोस्ट करपा खातिर हमें। हाँ ऊपर और इधर जो है ना चटनी बनकर हो चुकी है रेडी। यहाँ पे चाय उबल रही है, सुबह जो है ना हम ब्लैक टी पीते हैं, और कोकोनट ग्रेट किया था ना तो उसी के साथ तो सोचा कि जो है ना उसे भी भून कर रख देते हैं, तो बाद में जो है ना ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और यहाँ पे हमारी इडली, इसे अभी टाइम लगेगा 10 मिनट और जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर क्या हो रहा है। बाकी का जो भी घर का काम है ना झाड़ू वगैरह वो सब कुछ हो चुका है,
और बहुत दिनों से जो है ना पौधों को पानी नहीं दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे आज सुबह सुबह ही पौधों को पानी दिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग। ये इन दिनों जो है ना सुबह जाते थे, दोपहर को वापस से जाते थे, इस तरह से पौधों को पानी देने का काम पेंडिंग ही था। मैंने कल बोला था लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो आज सुबह सुबह ही पानी दिया जा रहा है। आणि सकाळफुडे उदक घातले नी मशे बरे जाता, रस्त्यार भी मारू मेळटा, नाल्या दिसभर नी सगळं धुल्ल उठ्ठा, गाडयो येल्यो गेले की ना सगळं धुल्ल उठ्ठा आणि भितर येता, निवळ करपाक नाका जाता मागीर, ताका लागून सकाळफुडे मारल्यार बी मशे बऱ्या पडटा उदक। सो हेका हांगा हेचें काम करून हांव वयता भितर, कानो करपतलो माझो। म्हाजी न्ही सोय जाली हांगासर भाजून, तर बंद करता आनी दवरता थंड जावन रावून न्ही मागीर मिक्सराक लावपाचें। आनी इतल्याचे टायम बी जालो, 15 मिनटां जाली। सो हेका म्हळ्यार असोच आसूं न्ही, 10 मिनटां दवरता। आनी हांगासर च्या बी रेडी आसा, सेट जालें की मागीर च्या पिवपाचें। आनी हे चणे जे फुगपाक घातलेले पळय ते ऑलमोस्ट अशें जालें, आनी एक वरभरान मागीर जातलें। सो हे जे जाता म्हटल्यार आनी इडल्याक एक म्हटल्यार थोडोसो टायम आसूं दी अशेंच वाफ हे जावनी तेजी। सो ते दो म्हटल्यार हांव भायर वयतां, 10 मिनटां आनी आसा म्हजे कडेन, सो हे तापून दवरिता अशेंच आनी भायर वयता। आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने सुबह सुबह ही चालू कर लिया था, लेकिन आप लोगों से मिलना जो है ना हुआ ही नहीं, तो फिर से आप सब लोगों को एक बार गुड मॉर्निंग। सुबह जो है ना उठकर मैंने ब्रेकफास्ट में इडली वगैरह बना ली थी, वो सब कुछ तो मैंने आप लोगों के लिए शूट किया था, लेकिन बाद में जो इसका फाइनल रिजल्ट है ना वो शूट ही नहीं किया। एक्चुअली इडली जो है ना बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी, सॉफ्ट भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना फुली नहीं थी, जितना हम लोग बोलते हैं ना उसका साइज जो है ना फुल के जितना होना चाहिए था ना उतना हुआ नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसीलिए शूट नहीं किया, मैंने शूट इसीलिए नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह जो है ना उसको भी टाइम लगता है, कुकर को 15-20 मिनट पहले गैस पे रखा, बाद में उसे थोड़ी देर जो है ठंडा होने के लिए रख दिया, उसमें जो है ना बहुत टाइम हो गया, बाद में ये भी आकर बैठ गए ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने जो है ना हड़बड़ी में निकल कर इनको सर्व कर दी, और जो है ना मैंने भी इनके साथ आज ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उस टाइम जो है ना शूट करना नहीं हुआ। अभी फिर से जो है ना मैं एक बार बनाऊंगी, एक और सेट जो है ना इसका निकालूंगी, तब जो है ना मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी। उसका जो बैटर वगैरह है ना वो मैंने बाहर ही रखा है ताकि वो और ज़्यादा जो है ना फर्मेंट हो जाए करके। तो अभी जो है ना सुबह के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे हमारा सब कुछ काम वगैरह जो भी है ना वो हो चुका है, नॉर्मली शावर वगैरह भी हो चुका है, भगवान जी की यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और जो सुबह मैंने कोकोनट वगैरह ग्रेट करके रोस्ट करके रखा था ना उसका जो है ना मैंने पेस्ट भी बना लिया, मतलब मसाला जो है ना वो ग्राइंड करके ले लिया है। अभी लगाना है मुझे कुकर और चावल के लिए पानी चढ़ाऊंगी, बाद में हाँ आराम से जो है ना लंच वंच कर लेंगे। चावल का पानी जो है ना मैं इतनी जल्दी नहीं लगाऊंगी क्योंकि राइस जो है ना बहुत ही ठंडा हो जाता है, इन दिनों बहुत ठंडी हो रही है ना, तो चावल वगैरह या फिर जो भी आप लोग खाना बना रहे हो वो जल्दी जो है ना ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए चावल जो है ना मैं 12 बजे तक बना लूँगी। अभी तो सिर्फ 10:30 ही हो रहे हैं, तो चलो पहले जो है ना कुकर वगैरह लगा लेती हूँ, और जो मैंने जो मुझे ग्रेवी बनानी ना वो बनाती है, चण्याचो रोस करपाक जाय नी तो करता, मागीर भाजयेचे पळयता कितें तें, आसा कॅबेज फ्लावर सगळें आसा कसली भाजी ती पळयता, आनी रांदता बी सगळें करता, आनी मागीर मेळटा तुमकां। आज कुछ रेसिपी वगैरह नहीं है तो जो है ना डायरेक्टली लंच वगैरह बना के मिलती, और पहले जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने जो है ना सो को निकले रखा है ना वो कैसे हुआ है। जस्ट जो है ना शावर लिया है तो बाल वगैरह सब कुछ गीले ही है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे जिसे मैंने गर्म पानी में रखा था ना वो हो चुका है सोक, अच्छे से हो चुका है, जितना नॉर्मली हम रात भर रख कर सोक करते ना उसी तरह से हो चुका है। अरे ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, देखो अभी जो है ना इसे मैं कुकर में डालकर 1-2 सीटी लगाऊंगी, नॉर्मली जो है ना मैं 1 ही सीटी लगाती हूँ, लेकिन अभी सुबह डाला है ना मैंने सोक होने के लिए, तो इसे जो है ना मैं 2 सीटी निकालूंगी। और ये बैटर जो है ना ये मैंने यहीं पर रखा है, बाद में इसका एक और जो है ना सेट में निकाल लूँगी, कुकर भी यहीं पे है, बाकी इसकी प्लेट्स वगैरह जो है ना वो मैंने धोकर रख दिया है, थोड़ी देर बाद में जो है ना दोपहर के बाद मैं इसको एक बार फिर से लगाऊंगी।
तो चलो पहले जो है ना किचन का काम वगैरह करती हूँ और बाद में जो है ना आप लोगों से मिलती हूँ। मशीन भी लगाया है कपड़ों का, तो ऊपर जो है ना टेरेस पे कपड़े डालने के लिए, वो सब काम जो है ना घर के चालू ही रहते हैं 24 घंटे, कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है, तो वो सब करते हैं और जो है ना बाद में मिलते हैं। गुड इवनिंग, शाम के जो है ना अभी बज रहे 5 और आज ना अभी ये घर पे है यानी कि जो है ना सो रहे है। क्या होता है ना कि इनका सुबह से दोपहर तक लेके धूप में घूमना वगैरह होता है ना, तो बहुत जो है ना टायर्ड हो जाते हैं धूप की वजह से। तो आज जो है ना इनको आने में देर हो गई, एक्चुअली देर नहीं बहुत देर हो गई, तो आकर खाना वगैरह खाकर जस्ट जो है ना 4:15 बजे के कुछ गए सोने के लिए, तो बोल के गए थे कि 5 बजे तक उठा देना करके, क्योंकि इनको टायर्ड होता है, मतलब दिन भर काम वगैरह करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, धूप में परेशान होते हैं, टायर्ड भी होते हैं, लेकिन जो है ना इनको वॉक पे भी जाना होता है। पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा है, इन दिनों जो है ना वॉकिंग पे ले जाते हैं रेगुलरली। तो शाम को अगर वापस गए ना, मतलब दोपहर को अगर वापस गए ना, तो एनी हाउ 6 बजे तक भी पहुँचे ना घर पे, तो जो है ना वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। कल जो है ना 6 बजे आए थे एग्जैक्टली, लेकिन जस्ट यहाँ पे बाइक पार्क की चेंज किया और फटाफट से जो है ना वापस चले गए, ऐसा हो रहा है इनका अभी। तो इन्होंने बोला था 5 बजे तक उठा लेना करके, तो मैंने सोचा कि पहले जो है ना चाय वगैरह बनाते हैं, फिर जो है ना इनको उठाऊँगी, एक 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना इनको सोने के लिए। तो मैं आई थी बाहर, मुझे जो है ना तुलसी के पत्ते लेने हैं चाय बनाने के लिए। आज जो है ना तुलसी के पत्ते वगैरह डालकर मैं चाय बनाने वाली, अदरक तुलसी के पत्ते वगैरह, ब्लैक टी। एक्चुअली चाय पीने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन गला जो है ना मेरा थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है सर्दी की वजह से, और इनको भी जो है ना 2-3 दिन से हल्की सी सर्दी हो रही है, लेकिन मुझे जो है ना गला बहुत परेशान कर रहा है। तो इनको सिर्फ जो है ना थोड़ी बहुत खांसी वगैरह आ रही है, मतलब गला वगैरह दर्द नहीं कर रहा, लेकिन मेरा गला जो है ना सुबह से बहुत परेशान कर रहा है। तो चाय बनाने के लिए सोचा कि तुलसी के पत्ते वगैरह डालकर जो है ना चाय बना लूँ आज। तो चलो तुलसी के पत्ते 1-2 चार लेके आते चाय बनाने के लिए, और अदरक डाल के बनाऊँगी। सो तुलसीचे पान असा आमगे खूब, त्या साइडीन भी असा, हंगा भी असा, आणि हंगा भी असा। सो ही तुलसीचे पान घेता आणि त्याच्या वांगडा नी 2 केसराय भी घालता, केसरा भी घातल्यावर बरी अशी म्हणता नी ताका लागून। सो ब्लॅक टी नी थोडीशी घालता, नाही मागीर तोंडार मारू लागता चहा, तुळशीच्याच पानाचं फ्लेवर येतं। सो इथली पुरो आले इले घालता आणि करता। हे हांगासर हांवें उदक दवरलं चायेक, आणि तितून तुळशीची पानां थोडा वेळ मातशी बॉयल जावनी, आणि आता आले घालता मातशे बॉईल जातकीर, मागीर बाकीचे चहा पावडर आणि साखर मातशे हे शिजूनी। आले घातले आता हांवें तुळशीची पानं आणि आले घातला, हेका शिजूनी मातशे 1-5 मिनटां बरो बॉईल येऊनी, मागीर बाकीचे चहा पावडर आणि साखर घालता। सो ते मेरेन हो उठता जाल्यार पळयता, उठोवपाक ट्राय करता, म्हणल्यार उठ म्हटल्यार उठ्ठलो, वॉकिंगाक वचपाचो उसकासांनी रोखडोच उठ्ठलो। सो हेका बॉईल जावनी, तो म्हटल्यार आले दवरून येता फ्रिजान। और ये यहाँ पे हमारी चाय उबल चुकी है, एकदम जो है ना चाय का कलर ग्रीन हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी यानी कि 3 चम्मच, क्योंकि मुझे जो है ना मीठा लगता है इसीलिए। और उसी के साथ चाय पत्ती भी, ब्लैक टी बना रही हो ना तो चाय पत्ती थोड़ी सी कम, मुझे लाइट वाली ब्लैक टी पसंद है, तो इसको जो है ना अभी थोड़ी देर उबलने देते हैं। और इनको भी जो है ना अभी मैंने उठा लिया है, उठा दिया है, उठ गए शायद, उठ गए। तो चलो चाय को जो है ना 2 मिनट के लिए उबालते हैं और फिर जो है ना करेंगे चाय सर्व। तो ये हो गई यहाँ पे हमारी चाय रेडी, और ये जो है ना अभी यहाँ पे नींद से उठकर बैठे हैं, दिखाती हूँ आपको, देखो नींद में ही है अभी। अच्छा दिसून आशिल तू निदान आसा अजून जालो जागा, आणि बिस्किट डकर, आणि ये वाले बिस्किट जो है ना हम उस दिन बेलगाम से लेके आए थे, लास्ट टाइम जब कोल्हापूर गए थे ना तो भी सेम ब्रांड की बिस्किट लेके आए थे, तो हमें अच्छी लगी थी, एक ही लेके आए थे। तो इस बार जो है ना फिर से बेलगाम गए ना, उस दिन तो शादी के लिए गए थे, तो उस दिन फिर से लेके आए, इनको पसंद है ये वाले बिस्किट।
आवडटा खंय ताका बिस्कीट म्हण घेवपाक लायली म्हाका त्या दिसा आनी हे पयर फातरप्या जात्रे सान हाडिल्ले सुके खाजे म्हाका सुके खाजे आवडटा हेका आवडना सिन्सानको सो हे सुके खाजे आनी हे म्हाजे पार्सल येयल्ले सकाळीं काडून दवरपाक जाय ते हांगात आसा सकाळीं मिन्स दनपर येयला उदक सो आमी आतां च्या पितात आनी मागीर मेळया आतां वयतलो वॉकिंगाक केस पळय ते तो ये रही यहाँ पे इडली जो कि मैंने सुबह बनाई थी सुबह जो है ना ब्रेकफास्ट करने में हड़बड़ी हो गई तो शूट वगैरह कुछ नहीं किया तो कुछ जो है ना इस तरह से बनी है मतलब ज़्यादा ऐसे बैटर जो है ना कुक करने के बाद जितना फूलना चाहिए था ना मेरे ख्याल से उतनी तो नहीं फूली है लेकिन अच्छी बनी है टेस्टी बनी है और सॉफ्ट भी बनी है देखो इस तरह से तो अभी जो है ना मैंने इसको निकाल के रख दिया है अभी एक और साइड लगाना है तो इसे जो है ना मैंने यहाँ पे निकाल दिया बाद में जो है ना इसे मैं तवे पे गरम कर लूँगी तवे पे गरम किया ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका तो इसको जो है ना अभी रखते हैं साइड में और इनको देखो यहाँ पे धूप लगाया है धूप घतला सो आम्ही एवरीडे है जर लेकिन ना धूप घालतात दिव लायलो की देवाक आनी मच्छर बी आयज भर आयज न्ही मच्छर इतली आसा बसपाक दिना एक्चुली हांवें सांजचें दार बी बेगीन बंद केल्लें विंडो दार बी सगळें बट न्ही इतले मच्छर बसपाक दिना अशें बसलेलें हांव मोबायल घेवन तीन मच्छर म्हाका तीन चार कितें इतले मच्छर घुसले ना आयज भितर सो हांव हें सगळें करता रेडी करता आनी एक सेट आनी मागीर आमी न्ही डिनर बी करतली सो आनी कांयच ना आयचो व्लॉग जो आसा आनी आयज हांगाच एंड करता आतां आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां परत एकदां मेळपाक येता सांजचें ते मेरेन बाय बाय आप लोगों को जो है ना कल फिर मिलने आते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय।